थॉर ने ये नहीं बताया कि वो जवाब ढूंढने कहां जा रहा है? कभी कभी मेरे साथी मुझे सारी बातें नहीं बताते। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली हीरोज हैं और हमें रूई की तरह धुन कर दिया। लेकिन तुम तो सही सलामत निकला है ना? तुमने अभी मेरे अंदर की बुराई देखी कहां है? जानते हो ना, अल्ट्रॉन हमें लड़वाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा। हम इसीलिए लड़ते आ रहे हैं ना, ताकि एक दिन लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने घर जा सके। I'm sorry, Mr. Stark. क्लिंट कह रहा था कि आप बुरा नहीं माने। मेरे ढेर से लकड़ी मत लेना। चलो बताओ मुझे, क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? देखना कहीं इसमें भी जान ना आ जाए। ये श्रीमती बाटन तो बहुत तेज निकली। तो मरिया हिल ने तुम्हें फोन किया? तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा? देखो, ये गाना गाते गाते सब थक चुके हैं और मैं सुनते सुनते थक चुका हूं। मुद्दे की बात पर आओ और ये बताओ कि हमारी मदद कैसे कर सकते। बस एक बूढ़ा आदमी हूं जिसे तुम्हारी हमेशा फिक्र रहती है। सब मेरी वजह से। मैं तैयार नहीं था। तुम्हारे डर की वजह से उस लड़की ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। मैंने देखा था पर टीम को नहीं बताया। कैसे बताता? मैंने सबकी मौत देखी थी निक, महसूस किया था। तुमने काफी खूबसूरत चीजों का इजाद किया है टोनी। जंग उनमें से एक नहीं है, वो तुम्हें बहका रही है। मुझे बहकाया नहीं, आईना दिखाया गया है। और वो बुरा सपना नहीं, मेरी विरासत थी। अपने दोस्तों को मरते हुए देखना, कोई सोचेगा इससे बुरा क्या हो सकता है? है। अच्छा स्टाइल है। हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे खुशी होगी। खतरनाक काम है। खतरनाक ना होता तो दुख होता। मेरे मुखबिर बताते हैं कि वो कुछ बना रहा है। और अल्ट्रॉन उसका क्या? उसे ढूंढना आसान है, वो हर जगह है। लगता है उसे किसी कोड नंबर की तलाश है। वो अभी कोड नंबरों के पीछे पड़ गए थे। वैसे मैंने इसके बारे में नेक्सस में अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट किया था। तो उन्होंने क्या कहा? अल्ट्रॉन पर मिसाइलों का जुनून सवार है, पर कोड नंबर्स लगातार बदले जा रहे हैं। कौन बदल रहा? हमारा कोई दोस्त है? कोई अल्ट्रॉन का दुश्मन है। दोनों चीजें एक नहीं है। तो आपके पास इतनी खबर है बॉस? जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा आपके पास और भी कुछ होगा। है ना, तुम लोग हो। अल्ट्रॉन का मानना है कि सिर्फ एवेंजर्स ही उसके मकसद के आड़े आ रहे। तो उठो और उस साले टीन के डब्बे की धज्जियां उड़ा दो। स्टीव को ऐसी भाषा पसंद नहीं आती। ये जो पुराना हो गया नताशा, वो ढांचे बनाता रहता है। इंसानों के ढांचे। इंसानों को बचाने की जरूरत नहीं है, उन्हें विकसित होने की जरूरत है। अल्ट्रॉन विकसित हो रहा है। क्या किसी ने हेलेन चो से बात करने की कोशिश की?